Okay, hey everyone, very good evening. Welcome to Wi-Fi Study, India's number one study channel. और हाजिर हो गए भाई, शाम को 7 बज चुके हैं. दिस इज माई टाइम. पता नहीं कितने लंबे टाइम तक है ये टाइम, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू चलता है यार. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरी वन. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं. ये चीज मेरे को बहुत पसंद आती है, दैट यू गाइज आर ट्राइंग समथिंग हार्ड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आज करंट्स का था, आई नो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान था, बट करंट्स को मैंने देखा कि तो बहुत सारा था. मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, इसे निपटाना पड़ेगा. सो करंट्स को लिया है, एंड अभी भी एक दो करंट्स ऐसे हैं जो हमारे बचेंगे कुछ, यानी कि 30 मिनट्स की वीडियो अभी, इसके बाद एक और आनी पड़ेगी करंट्स की. करंट्स कई बार इतने ज्यादा आ जाते हैं, इस बार इतने ज्यादा थे, स्पेशली लोकेशंस. इस बार लोकेशंस इतनी ज्यादा थी कि मैं परेशान हो गया था कौन सी लोकेशन करूं, कौन सी छोड़ूं. बहुत सारी लोकेशंस थी इस बार. सो कई बार होता है, बट कोई नहीं, मेरा काम है कि जो भी आए, जैसा भी आए, आई हैव टू कवर फॉर यू गाइस. सो लेट्स बिगिन. ओके गाइस, अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, साहिल अरोड़ा इज माय नेम. वहां पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं फ्री में, और आप लोग प्लस पे भी कोर्स ले सकते हो मेरे नाम से 10% का डिस्काउंट लेकर. यहाँ मेरे भी कोर्सेज हैं, एथिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री के, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल. तो काफी बड़े बड़े कोर्सेज हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट्स के हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बेहतरीन टीचर्स हैं, तो आप इनकी भी हेल्प ले सकते हो. ठीक है, सो ये आपको डिस्काउंट मिलता है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. मेरे नाम को यूज करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है. सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज करंट अफेयर्स. ये आज के नहीं है, ये पूरे हफ्ते के हैं, ये जो हम कवर करने जा रहे हैं, ये 11 से लेकर 18 अक्टूबर, 18 तो आज है नहीं, 11 से लेकर 17 अक्टूबर तक है, 17 सॉरी 17 अक्टूबर तक के करंट है. तो यहां से हम स्टार्ट. ओके, पहला लोकेशन अगेन माउंट किलिमंजारो. ये न्यूज में था, यहाँ पे आग लगी है थोड़ी सी, ये न्यूज में था. तो इसकी लोकेशन हमें एक बार रिवाइज करनी होगी, लोकेशन कहाँ पर है, क्या चीज है, क्या ऐसा स्पेशलिटी है जो ये न्यूज में है. ओके, कहाँ पर है ये? तंजानिया. तंजानिया जो कि अफ्रीका में एक देश है, ये लोकेशन आपको पूरी दिख जाएगी. देखो ये रहा तंजानिया, ठीक है, इसके बिल्कुल पास, ये देखो कितनी अच्छी चीज है, इसके बिल्कुल पास हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया इस तंजानिया में है हमारा किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका में है. इसके आसपास देखो केन्या है, ठीक है, और कौन कौन से कंट्री है, जाम्बिया है, ठीक है, कॉन्गो है. तो ये सारी लोकेशंस जो है, जो जो बाउंड्रीज टच कर रही होती हैं, ये सब हमें पढ़नी पड़ती है. युगांडा है, यानी कि ये जो लोकेशन है, इसके आसपास कौन कौन से देश, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जो इसे टच कर रही हैं, हमें पता होना चाहिए. सो अफ्रीका में है ये. ओके, तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है, लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन. फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का मतलब समझते हो, जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज ऐसे हैं, यानी कि हर एक माउंटेन एक दूसरे को सहारा दे रही है, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला या चेन, माउंटेन चेन. लेकिन ये जो किलिमंजारो है, डायरेक्टली ऐसे खड़ी हुई है, बस अकेली, यानी कि बिना किसी सपोर्ट के माउंटेन खड़ी है, पूरे विश्व में सबसे ऊंची है ये. तो यहां पर ये चीज, इसको हमें याद रखना है, ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, किलिमंजारो एक कॉम्पोजिट वोल्केनो है, यानी कि एक ज्वालामुखी है, कंपोजिट ज्वालामुखी. कंपोजिट ज्वालामुखी क्या होता है, जरा ये देखो, इसको डिटेल में आप डेफिनेटली ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, आपको ग्रेड 11th की एनसीईआरटी में ही है. जो हमारा कंपोजिट वोल्केनो होता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं. देखो नीचे भी लेयर्स हैं, यानी कि जो लावा है वो अंदर भी फैला हुआ है, लावा अंदर भी फैला हुआ है, ठीक है. और बस्ट कहां से हो रहा है, निकलता यहां से है, निकलेगा यहां से, लेकिन अंदर फैला हुआ है, यानी कि अगर हम लेयर्स को छेद कर देंगे तो इसके अंदर से भी लावा निकल जाएगा. बाकी ऐसे में नहीं होता, अलग अलग तरीके के होते हैं, 3 से 4 तरीके के आपको पढ़ने को मिलेंगे. तो ये किलिमंजारो एक कॉम्पोजिट वॉल्केनो है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है.
सो कॉम्पोजिट वॉल्केनो भी आपको याद रखना है। इसके बारे में डिटेल स्टडी आप स्वयं खुद ही कर पाएंगे जब आप ज्योग्राफी की ग्रेड 11th पढ़ेंगे। ओके, ये माउंटेन के ऊपर स्नो कैप है, यानी कि इस माउंटेन के ऊपर बर्फ भी मिलती है, तो आप इसकी खूबसूरती देखो कि नीचे ज्वालामुखी है, ऊपर इसके बर्फ है, जो कि काफी साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आने वाले 20 सालों में वो पिघल जाएगी, आने वाले 20 सालों में पिघल जाएगी। सो किलिमंजारो की जो इंपॉर्टेंस है, ये तो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं बेसिक, जो नेट पे भी मिल जाते हैं, किताबों में भी मिल जाते हैं। जो आपको स्वयं पढ़ना है, जो आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, वो है इसकी लोकेशन। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर हम एक कदम चलेंगे तो आपको दो कदम चलना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। सो आपको ये लोकेशन एटलस में से एक बार और अच्छे से देखना, फिजिकल मैप देखना, ये देखना है, देखो ये कैप्रिकॉन यहां से आ रही है, इक्वेटर यहां से आ रही है, दोनों के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, सो दैट आप इजिली पकड़ पाओ कि एक्चुअली है क्या और हमें क्या याद करना। नेक्स्ट, विज्ञान ज्योति। जीएस पेपर वन में विज्ञान देख के कंफ्यूज मत होना कि विज्ञान ज्योति कैसे है। ये एक विमेन एम्पावरमेंट स्कीम है, विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक स्कीम चलाई गई है, मोदी जी ने चलाई थी 2019 में। कौन सी मिनिस्ट्री है? साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, देखो हमारे देश में क्या एक सोच विचारधारा है कि कोई लड़की है ये ग्रेड 10th के बाद पढ़ के करेगी ही क्या, हाई स्कूल के बाद क्या करेगी। ये तो हमारे गांव वगैरह में स्थिति है, और कई जगह ये स्थिति है कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि ये नौकरी तो करेगी ही नहीं, कभी नौकरी इसने करनी नहीं है, तो इसे क्यों ना आर्ट साइड दिलवा दी जाए। एक तो हमारे देश में जो बंदा ये कहता है ना, आर्ट साइड ऐसे लोगों को दिलवाई जाए जो कुछ नहीं करते, ये बहुत बुरा लगता है, ये बहुत डिफिकल्ट होती है आर्ट साइड, पता नहीं कौन कहता है इजी है, पूरा यूपीएससी इससे भरा हुआ है। तो हमारे देश में एक सोच है कि साइंस साइड होशियार बच्चों को या जिन्हें भविष्य में कुछ बड़ा करना है उन्हें दिलवाई जाए। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि जो हमारी 9th क्लास करते ही लड़कियां जब 10th में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो वो साइंस पे फोकस करें, स्टेम। ये शब्द हमारे पीएम साहब बहुत बार अपनी स्पीचेस में यूज कर चुके हैं और स्टेम के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी कर चुका है। सो स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि हमारे देश की लड़कियों को इस तरफ केंद्रित करना, उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना कि बच्चों आप लोग इधर आओ और इधर आके पढ़ो, यानी कि क्या है, एक प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस गर्ल्स, उन लड़कियों के लिए जो पढ़ाई में अच्छी हैं, उन्हें मौका दिया जाए हाई स्कूल के बाद कि वो परस्यू कर सके, यानी कि अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सके इस फील्ड में, या तो मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, साइंस एंड टेक में, ठीक है ना। ये हमारे समाज में एक सोच है कि अरे ये बच्चा होशियार है तो ये साइंस लेगा और ये बुंदू है तो, यार ये क्या बात हुई। पहले चीज तो कोई बच्चा बुंदू होता नहीं, वो स्मार्ट होता है, वो स्मार्ट होता है, बस उसकी स्मार्टनेस हम लोग पहचान नहीं पाते, ठीक है ना। स्मार्टनेस किसी भी तरीके की हो सकती है, सचिन तेंदुलकर को भी एक टाइम पे लोग बोंदू कहते होंगे, वो स्मार्ट, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग को भी एक टाइम पे लोग बोंदू कहते होंगे, वो स्मार्ट। सो बोंदू जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन हमारे देश में ये माना जाता है कि जो स्मार्ट है ये बोंदू है और जो पढ़ने में जो जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं केवल वही होशियार है, तो थोड़ा सा गलत एक विचारधारा है। चलो ये प्रोग्राम क्या क्या कवर करता है, कवर करता है लड़कियों को केवल, यानी कि गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 9 to 12, इस चीज को याद रखेंगे, ग्रेड 9 to 12। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रोग्राम इज करंटली, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय, 58 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो रहा है और तकरीबन 2900 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। जब भी आप विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ भी लिखे, अगर ऐसे लिखते हैं या कोई आंसर लिखते हैं, ऑलवेज गो विद दिस पॉइंट। यहाँ पे आप गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी दिखाएंगे, गवर्नमेंट लड़कियों को एजुकेशन से ही आगे लाना चाह रही है और ऐसे सेक्टर में आगे लाना चाह रही है जहां वो इकोनॉमिकली बेटर बन सके, ठीक है ना। न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है, अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और IBM ने कोलैबोरेशन अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, विज्ञान ज्योति और एंगेज विद साइंस, इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज करके इसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे। ओके, कुछ था तो अब जरा देख लेते हैं, विज्ञान प्रसार क्या है, विज्ञान प्रसार और एंगेज विद साइंस। विज्ञान प्रसार क्या भैया, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो कि खुद अपने दम पे काम करती है, किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक में। इसका काम क्या है, हेल्प इंडिया साइंस पॉपुलराइजेशन एजेंडा, यानी कि भारत में लोगों को बताना, अवेयर करना कि साइंस इंपॉर्टेंट है और साइंस पढ़ो,
ये काम किसका है, विज्ञान प्रसार का, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंगेज विद साइंस, इसका नाम भी लिया गया, इसे भी देख लेते हैं क्या है। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, उन्हें इंस्पायर किया जाए कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने करियर में ले सकते हैं। अब जरा मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में ये बताओ, बेनिफिट ऑफ साइंस एंड टेक, बेनिफिट्स ऑफ साइंस एंड टेक, ये कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है। जरा ये बताओ, यदि कोई बच्चा साइंस एंड टेक लेता है, यदि कोई बच्चा अपनी शिक्षा में साइंस को चूज करता है, तो उसे उसके क्या क्या फायदे मिलेंगे जो एक दूसरे बच्चे को नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये मेरे को जल्दी से बताओ, बेनिफिट्स ऑफ साइंस एंड टेक। मैं देखना चाहता हूं, यदि कोई बच्चा साइंस एंड टेक लेता है तो वो आगे किस तरीके से अपना भला कर पाएगा। और जब तक तुम आंसर लिख रहे हो, मैं आपको फिर याद दिला दूं, साहिल1 इज माई प्रोमो कोड। अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये नाम को यूज करके आप मेरी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी चीजें आपको फ्री है वहां पे, प्री मेंस इंटरव्यू ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, यानी कि फ्री इन द सेंस कि सब इसी पैकेज के अंदर है, तो काफी बेनिफिशियल है। ओके, इनोवेशन इन इंडस्ट्रीज, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, वेरी गुड। और जल्दी, और एक ही पॉइंट आया भी मेरे पास चंद्र प्रकाश की तरफ से, मैं और भी पॉइंट्स जानना चाहता हूं कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा साइंस एंड टेक लेता है तो क्या हमारे देश को फायदे होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेगा, सबसे बड़ी बात। तो चलो अपडेटेड हो गया बच्चा, अपडेट हो गया, देश के सशक्त करने की बात करो, बच्चा तो अपडेट हो जाता है। ओके, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है, आईटी सेक्टर का हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि हमारे यहाँ यंग ब्रेन्स क्रिएट होंगे, यंग ब्रेन्स, एक ऐसे दिमाग क्रिएट होंगे जो स्पेस, डिफेंस, ठीक है, आईटी, मैं सिलेबस घुमाने की बात कर रहा हूं, स्पेस, डिफेंस, आईटी, ठीक है, इनोवेशंस, इंडस्ट्रीज, इस सब सेक्टर में हमारा देश आगे जा सकता है। तो वेरी गुड, नाउ ये पॉइंट्स निकल के आए, और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने छोड़े, एग्रीकल्चर, वेरी गुड, नाउ यू कैन सी। अब यही सारी चीजें हैं, देखो सोचने की जरूरत नहीं है, सिलेबस दिमाग में घुमाओ, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सोशल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड इनोवेशन हो सकती है, कैन ब्रिंग न्यू इनोवेशंस, वेरी गुड, इनोवेशंस बढ़ेगा, सब लोग इनोवेशन से बातें करें। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड नेवी, नासा में जा सकते हैं, नासा में क्यों जाएं, इसरो में जाएंगे, नो नासा, इसरो इज इनफ। एंड रिसर्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फील्ड, मनीषा ने पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी किया, ये रट के बैठ गई है सिलेबस, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कि आपके पास इतने डायमेंशन है लिखने के लिए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, तुम लोग शुरू हो जाते हो। ओके, अगेन एक लोकेशन वाला क्वेश्चन आया, मेडिटेरेनियन सी लोकेशन, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है 2014 में, जरा देखते हैं क्या है। सो मेडिटेरेनियन सी, सबको बताइए सी कहां पर है, जरा लोकेशन देख लो, ये रहा हमारा मेडिटेरेनियन सी, ये दिख रहा है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी, ये सी है, देखो इटली है, नीचे लीबिया है, अफ्रीका है, नीचे ऊपर यूरोप है, अल्जीरिया, तुनिसिया, टर्की, ब्लैक सी। हाँ यही क्वेश्चन था यूपीएससी में 2014 या 15 में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि टर्की इन दोनों में से किन के बीच में आता है, और आंसर में था मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में आता है टर्की, ये देखो नीचे मेडिटेरेनियन, ऊपर ब्लैक सी, ये यूपीएससी के 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये यूपीएससी के 2014 का क्वेश्चन है, यानी कि आपको लोकेशन बहुत ध्यान से देखने हो, ग्रीस घिरा हुआ है, टर्की घिरा हुआ है, इजिप्ट, ठीक है, और कौन सी ऐसी लोकेशन है जो इससे कनेक्ट हो रही है, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, देखो मोरक्को तक पानी पहुंच रहा है, मोरक्को, तुनिसिया, छोटे छोटे नाम है, ठीक है, इटली हो गया, ये देखो ये छोटे छोटे कंट्रीज आपको निकालने होते हैं, यूपीएससी ऐसे कंट्रीज उठाता है जो बच्चे ज्यादा अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, ग्रीस टच हो रहा है, बुल्गारिया नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको लोकेशंस में ढूंढनी पड़ेंगी, तो जो कि आपकी हेल्प करेगा, यानी कि अगेन इस क्लास के बाद आपको इस टॉपिक को भी एटलस में थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ओके, आगे चलते हैं, बैक करता हूँ, आगे क्यों चलते हैं, मेडिटेरेनियन की अगर मैं बात करूं तो ये एक सी है जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को, सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन बेसिन, ठीक है, ये बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस का हब है, और यही कारण है ये न्यूज में है,
यही कारण है, न्यूज में है टर्की इसका नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। काफी देश ऐसा कहते हैं कि टर्की इसके अंदर जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, यानी कि ओवर यूज कर रहा है। तो ये न्यूज में रहता है, अभी थोड़े दिन पहले आया था ये। सो यहाँ पे हमें नेचुरल गैस ऑयल भी चीजें मिलती हैं, और ये विश्व का बिजिएस्ट सी रूट में से एक है। बिजिएस्ट का मतलब यहाँ से इतने जहाज निकलते हैं, इतना बिजनेस होता है यहाँ से कि अगर ये एक भी दिन बंद हो जाए तो आधे से ज्यादा देशों की इकोनॉमी पे असर आ जाता है। इतने बड़े लेवल पे ये बड़ा एक रूट है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे ना। चबार पोर्ट, अगेन लोकेशन, मैंने कहा था लोकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं भी परेशान हो गया था, हो क्या रहा है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। चबार पोर्ट सभी को पता है, ये भारत ने बनवाया था, ईरान में भारत की मदद से बनाया गया है। तो चबार पोर्ट को लेके काफी बार अमेरिका से हमारा विवाद रहता है। अमेरिका कहता है कि आप ईरान से दोस्ती तोड़ो, इंडिया को लगता है यार मैंने चबार पोर्ट पे पैसा लगाया, दोस्ती कैसे तोड़ दूं, ये पोर्ट मैंने बनवाया ही इसलिए है कि ताकि मेरा कुछ भला हो सके, मेरा कुछ डेवलपमेंट हो सके। तो पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। ये देखो, ये रहा आपका चबाहर पोर्ट ईरान में, और डायरेक्टली डायरेक्टली ये मुंबई से कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली डायरेक्टली ये मुंबई से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि बहुत इजी कनेक्टिविटी मिलती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये ग्वादार पोर्ट जो है पाकिस्तान का, ये सारी चीजें आपको एडिटोरियल में पढ़ने को मिलेंगी, आज नहीं तो कल मिलेंगी। तो ग्वादार पोर्ट जो है पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान यानी कि चाइना की मदद से भारत को रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो चबाहर पोर्ट है, ये पाकिस्तान को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी। ठीक है, मैंने इसे और भी बड़ा किया, देखो गदार पोर्ट और चबाहर पोर्ट ज्यादा दूर नहीं है ये, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। ये कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये जो छोटी छोटी लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके आसपास क्या आप देशों को याद रखेंगे, ठीक है देशों को याद रखेंगे। और अब देखते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा है। चबाहर पोर्ट कहाँ पे, ये गल्फ ऑफ ओमान में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है। ठीक है, ये एक लौता ईरानियन पोर्ट है जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन से, यानी कि भारत में, भारत को जब इंडियन ओशियन पे कब्जा करने की, कब्जा तो नहीं कहूंगा, जब सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ेगी तो वो इस पोर्ट की मदद ले सकता है। इस पोर्ट की सहायता से भारत इस पूरे एरिया को अपना कंट्रोल कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनदर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब से इसकी कनेक्टिविटी है, जिसे कहा जाता है गोल्डन गेट, यानी गोल्डन गेट। गोल्डन गेट का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। देखो ये जैसे भारत से कोई सामान गया, जैसे भारत ने मुंबई से कुछ गया, सपोज कपड़े गए, कॉटन गई, तो ये गई यहां पर। अब देखो अफगानिस्तान में किसी भी तरीके का समुद्र नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में नहीं है, तो ऐसे देशों में मदद करती है इस रूट के थ्रू सामान पहुंचाने में। ठीक है ना, यानी कि इसे गोल्डन गेट कहा जाता है, यानी कि ये जो चबाहर पोर्ट है ये भारत के दृष्टिकोण से एक बेहतरीन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ये देखो इसमें और भी ज्यादा मेरे नाम मेंशन हुए हैं, दो मैप है यहाँ पे, ये वाला मैप अलग है, ये वाला मैप अलग है, दो मैप को इस्तेमाल किया था मैंने ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं। लेकिन अगेन मैं फिर भी कहूंगा यूज एटलस, एक बार फिर इस क्लास के बाद आप इन टॉपिक्स को एटलस में ढूंढेंगे। देखो आपको सिर्फ एटलस में रिसर्च करनी है, आपकी मेहनत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको सारा कंटेंट ढूंढ के दे रहा हूं। ठीक है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से नाम लोकेशंस में है, कौन कौन से नाम न्यूज में है, उस न्यूज की रिसर्च तो खुद ही कर सकते हो। ठीक है ना, उसकी रिसर्च तो खुद ही कर सकते हो, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वेरी गुड। सो इसकी रिसर्च थोड़ी सी आप करें, ताकि जो मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के पेपर को हम किस तरीके से कंटेन करेंगे प्रीलिम्स में, सो आप इसे कर पाए। अगेन किर्गिस्तान, अगेन लोकेशन, ठीक है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के आसपास के देश देख लो भैया, चाइना के ऊपर है ये चाइना है, ये किर्गिस्तान है, यहाँ कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, बिल्कुल फंसा हुआ एक देश है किर्गिस्तान। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है क्या है ये, सेंट्रल एशिया की ओनली डेमोक्रेसी भी इसे कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी इसी एरिया की है। ठीक है, कैपिटल क्या है, बिश्केक है। एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पे समुद्र की कनेक्टिविटी ना हो। आप देखो कहीं से समुद्र नहीं है इस पे, अब इस पानी को देख के मत कहना ये समुद्र है, नहीं, किसी भी तरीके के समुद्र से टच नहीं हो रहा, जैसे ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत के नीचे समुद्र है ना इतना बड़ा। ठीक है, देखो ईरान के नीचे है ना, पाकिस्तान के नीचे है, अफगानिस्तान के नीचे नहीं है, तो अफगानिस्तान को हम लैंड लॉक कंट्री कहेंगे। वैसे ही किर्गिस्तान भी एक लैंड लॉक है,
कजाकिस्तान भी एक लैंडलॉक है जो कि विश्व का सबसे बड़ा हमारा लैंडलॉक कंट्री है। ओके, ये अपना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है और चाइना यहां से अपनी रोड निकाल रहा है, यानी कि जो वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो यहां से निकल रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा किर्गिस्तान है ये न्यूज में है इस समय, तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। देखो कई बार छोटी छोटी न्यूज हो जाती है कि यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे जैसे प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे विरोध शुरू हो रहा है इलेक्शन में, यहाँ इलेक्शन में विरोध शुरू हो रहा है, तो ये इनका चुनावी मुद्दा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसे द हिंदू में पढ़कर अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम बस इसकी लोकेशन देख के इसे साइड रख देंगे, या किर्गिस्तान में कुछ भी खास हुआ हो तो उसे पढ़ के साइड में रख देंगे। नाउ जीएस पेपर टू अगेन, सबसे पहले इलेक्टोरल बोन्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था अभी, इसको लेके कुछ अनाउंसमेंट हुए। ये हमारा आता है इलेक्टोरल बोन्ड्स। इलेक्टोरल बोन्ड्स क्या, देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, ये इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। सपोज ये एक बैंक है, इस बैंक ने कुछ नोट्स बना रखे हैं। नोट्स का मतलब मैं बताऊं, एक तरीके से पेपर, साधारण भाषा में बात करता हूँ, एक कागज है इसके पास जिसमें लिखा है बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, और कौन कौन सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये सब इस पे लिखा हुआ है, ये सब इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैं एक पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है, मैं बैंक जाता हूं और मैं बीजेपी की एक पेपर खरीदता हूं, यानी कि एक बॉन्ड खरीदता हूं जिसे कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं बीजेपी का एक बॉन्ड खरीदता हूं, सपोज मैंने खरीदा 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में ये मैंने खरीद लिया। अब ये जो 10,000 रुपए हैं ये किसके खाते में चले जाएंगे, बीजेपी के खाते में। ये किसके खाते में चले गए, बीजेपी के खाते में। एक बार फिर से बताता हूं कि बैंक एक तरीके का पेपर इशू करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आकर इस पेपर को खरीद सकता है और पैसे देता है बैंक को, बैंक आगे पहुंचा देता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। यानी कि कॉन्सेप्ट अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प करना गलत नहीं है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हेल्प हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन सवाल इसमें दो तीन चैलेंजेस भी हैं। इसमें एक चैलेंजेस तो ये है कि जो मैं जाके पैसे देकर आया, जो पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज मैंने बीजेपी को पैसे दिए, तो बीजेपी को कभी नहीं पता होगा कि मैंने पैसे दिए हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, बीजेपी को कभी पता ही नहीं होगा कि मैंने पैसे दिए, तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं पैसे देने के ये दिखाऊं कि देखो मैंने आपको पैसों से मदद करी थी कि अब आप मेरी मदद करो, तो ये कॉन्सेप्ट बच जाता है, यानी कि इसे हिडन रखा जाता है। लेकिन इसका नेगेटिव भी है कि ऐसे तो कोई भी आके अपना ब्लैक मनी भी तो यूज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आके अपना पैसा लगा के चला जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसे अच्छे से देखते हैं क्या है, ये न्यूज में था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, प्रॉमिसरी नोट है, एक ऐसा नोट है जो प्रॉमिस करता है, ठीक है, जो कोई भी भारतीय, एनी इंडियन सिटीजन, ये शब्द देख लेना, इंडियन सिटीजन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत में काम कर रही है, ठीक है, इसे चंदा कानून है एक तरीके से, ठीक है ना, कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत में काम कर रही है, शब्दों को ध्यान रखना, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत में काम कर रही है, केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, की कुछ सेलेक्ट ब्रांचेस जिन्हें ये अधिकार है वहां से इसे खरीद सकती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यूपीएससी इसमें स्टेटमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें सिटीजन यानी कि वो व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, पैसे दे सकता है, डोनेट कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी उसकी चॉइस की हो, उसे हम पैसे दे सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स आर सिमिलर टू द बैंक नोट्स, एक तरीके से बैंक नोट है जो कि बिल्कुल पैसे के तौर पे ही काम करता है, जैसे आपने ले लिया वो और आपने पैसे दे दिया, वो पैसे घूमते रहेंगे, यानी कि एक तरीके से आपके पास वो पैसा है, आप चाहो उसे बेच भी सकते हो, इसकी जो ज्यादा डिटेल है डेफिनेटली आपको इकोनॉमी में मिलेगी पढ़ने को, ठीक है, इसे बेच भी सकते हो। कई कई बार सवाल आते हैं आरटीआई एक्ट से रिलेटेड इसके, कि ये बाहर है उससे, तो ऐसे इस तरीके की कुछ चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी आगे, तो सिचुएशन थोड़ी अजीब है। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन सा व्यक्ति या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए एलिजिबल है। तो व्यक्ति तो हमने देख लिया, भारतीय या फिर भारतीय कंपनी,
इंडियन कंपनी जो भारत में काम कर रही हो, जरूरी नहीं है इंडियन लेकिन भारत में काम कर रही हो, एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने एटलीस्ट 1% वोट जीते हो जो भी आखिरी चुनाव हुआ हो, यानी कि अगर आखिरी चुनाव में 50% वोट डले हैं तो इस 50 का 1% वोट उसके पास होना चाहिए, तो वो इसमें आने के एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि ये एलिजिबिलिटी भी आपको याद रखनी है, आपको बंदों की एलिजिबिलिटी भी याद रखनी है कि कौन सा इंसान कर सकता है। ओके, बॉन्ड खरीदने वाला पर्सन बाद में भी तो पॉलिटिशियंस को बोल सकता है कि मैंने, हाँ ये कर सकता है, ये तो पर्सनल हो गया ना, हम तो गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं। देखो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये क्या करता है, ब्लैक मनी के यूज को रोक रहा है। देखो पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति जिसके पास ब्लैक मनी है वो डायरेक्टली जाके पॉलिटिकल पार्टी को देता था, ये आज भी होता है वैसे, इस पे हम लोग रोक लगाने में थोड़े असमर्थ हैं। ठीक है, लेकिन अब बीच में बैंक आ गया है, तो बैंक आ गया है तो फिर भी ब्लैक मनी के जो एक ट्रांजेक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है, और जिससे क्या होगा, समाज में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी केवल बैंकों के लिए है, ट्रांसपेरेंसी केवल बैंकों के लिए और लोगों के लिए है जिसने खरीदे हैं। ठीक है, आम नागरिक के लिए नहीं है, आपके मेरे जैसों के लिए नहीं है कि हमें पता चले कि अंबानी साहब ने कितने पैसे दिए हों या वाड्रा साहब ने कितने पैसे दिए हों, इस तरीके का हमें नहीं पता चलता। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं बताता कि आपको पैसे देने वाला कौन सा व्यक्ति है, सो दैट ऐसा नहीं होगा कि हमारे नेताओं को थोड़ा बिजनेसमैन के आगे डरना पड़े, झुकना पड़े या इनके अनुसार चलना पड़े। तो ये दो बेनिफिट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है। देखो सिविल राइट सोसाइटीज हमारी क्या कहती है, जो डोनर का कॉन्सेप्ट है ना, डोनर इसमें एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, एक मास्क मैन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा किसी को नहीं पता, तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो ये कहता है ना कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऐसी शब्दों की चीज करता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एनोनिमस है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भारतीय इवन फॉरेन मूल के लोग, सपोज मैं हूं, मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं अपने भाई को इंडिया में रह के बोलूं कि भाई जरा मेरी तरफ से जाके 2 करोड़ रुपए दे आओ फलाना पॉलिटिकल पार्टी को, इससे क्या होगा कि मैं यहां बैठ के एक तरीके से इंडिया की पॉलिटिक्स को रूल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पैसे देने से इनके चुनाव प्रचार पे असर पड़ेगा और ये जीत भी सकती है, यानी कि बाहर के देशों में बैठ के भी इस स्थिति को नियंत्रण कर सकता हूं अपने अनुसार। उसके बाद वो कहते हैं कि तीसरी शेल कंपनीज, ये भी बीच में आ सकती हैं। शेल कंपनीज के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन कर चुका है 2013 में, इकोनॉमी में आया था ये। शेल कंपनी क्या होती है, देखो शेल कंपनी वो कंपनी होती है जो केवल एक कागज पे है लेकिन उसका कहीं ऑफिस नहीं है। सपोज मैंने एक कागज पे लिख लिया साहिल अरोड़ा एंड सन्स, साहिल अरोड़ा और उसके बच्चे कितने भी, तो साहिल अरोड़ा एंड सन्स एक कंपनी बन गई, ये पेपर पे है, ये पेपर पे है, गवर्नमेंट ने इस पे साइन कर दिया, ये अप्रूव है, लेकिन इसका कोई भी ऑफिस नहीं है, इसमें कोई भी एक भी वर्कर नहीं है। ये ऐसी कंपनी हमारे भारत में बहुत चल रही है और सरकार काफी सालों से कोशिश कर रही है कि ऐसी कंपनियों को बंद किया जाए, क्योंकि ये यूजुअली क्या होता है, काले धन को यानी कि ब्लैक मनी को घुमाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ब्लैक मनी वाली जो शेल कंपनीज हैं ये भी आगे आएंगी। ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं आगे आएंगी तो हमारे राजनीति पे इसका गलत असर पड़ेगा। ओके, पब्लिक को कोई आइडिया ही नहीं है कि कहां से और कैसे पैसा आ रहा है, यानी कि पब्लिक को तो बताओ ना, आरटीआई वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे क्या होगा, अगर आप डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस रखते हो तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी भी तो वो यूज कर सकता है ना, आपको क्या पता कि वो किस तरीके का पैसा यूज कर रहा है। ओके, सो देखता हूँ, इट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट, या व्हाट आई एम सेइंग कि ये सबसे एक बेहतरीन तरीका भी यूज कर सकते हैं लोग कि काले धन को सफेद धन में से कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी यहाँ खत्म नहीं है, ये तो न्यूज में था, तो इसके बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए, सो दैट अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं कोई भी न्यूज छोड़ूंगा नहीं, तो फिर अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ लिटरली, सो इसको मैंने कवर किया है, आप इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।
नाउ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत के अभी होस्ट करी, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या है, कैसे है, देखते हैं। एससीओ, जब तक आप अपनी यूपीएससी की तैयारी का प्रीलिम्स दोगे ना, कम से कम इस टॉपिक को 200 बार पढ़ लोगे एससीओ को, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम शंघाई पैक्ट भी कहते हैं, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण, जो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है यूरेशियन। यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप और एशिया, यानी कि इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट के देश हैं, यूरोप और एशिया के, राजनीतिक तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के तौर पे इसे बनाया गया। 2001 में बनाया गया था, शंघाई में बनाया गया। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 8 मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर है, यस, लेकिन अगेन मैं यहां पे आपसे कहूंगा कि आपको आठों के नाम याद होने चाहिए, आपको आठों के नाम याद होने चाहिए। कैसे? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगर आप इसे मैप में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट पास पास ही हैं। ये देखो, ये पूरा ब्लू वाला ये जो है ये इतना बड़ा रशिया के वजह से बड़ा हो गया है ये, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारे पास पास ही हैं, ठीक है ना। ये वाले देश हैं, ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो हमारे 8 देश हैं, इनके नाम तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे जो इसके मेंबर्स हैं। बाकी इसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, ऐसे देश भी हैं जो मदद करते हैं, और ये ऑब्जर्वर स्टेट फुल टाइम मेंबर भी बनना चाह रहे हैं। देखो, यूएन जैसी स्थिति केवल यूएन में नहीं है, यहां भी है। एससीओ एक बड़ी बॉडी है और उसमें छोटे छोटे देश, देखो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया जैसे देश ये अपना स्थान हासिल करना चाहते हैं इसमें। जैसे भारत यूएन के हिसाब से छोटा है, ठीक है, जैसे यूएन को लगता है, वैसे ये छोटे छोटे देश भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आगे छोटे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें अपना एक हिस्सेदारी पाए। तो 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके डायलॉग पार्टनर्स यानी कि जिनके साथ डायलॉग्स हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। याद करो ये पॉइंट, मैंने आपको अजरबैजान को पढ़ाते हैं बताया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया जहां भाग है वहीं भारत भी भाग है, तो इन दोनों की मीटिंग संभव है, यानी कि ये दोस्तों में आते हैं, दुश्मनों में नहीं। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? बीजिंग, जो कि चाइना में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स अब थोड़ा डेप्थ पहुंच गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो सुरक्षा मुहैया करना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना कि जो सुरक्षा दी जा रही है यूरेशियन रीजन में यानी कि यूरोप और एशिया के रीजन में, जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसे सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए, स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े ना देखने को मिले। अनुराग, आप मेरी हिंदी को थोड़ा सा देख सकते हैं, इम्प्रूव कर गई है, ठीक है ना। सुनिश्चित करना सुरक्षा को और उसकी स्थिरता देखना कि उस जगह पे एक स्थिरता हो, शांति हो, ठीक है। ज्वाइंट फोर्सेस, अगर समय पड़े तो सारे अब देश अपनी ज्वाइंट फोर्सेस उतार सके आने वाले चैलेंजेस और थ्रेट्स को, चाहे टेररिज्म हो या कुछ भी हो। ट्रेड बढ़ाया जाए, आपस में मिलकर बिजनेस को प्रमोट किया जाए। कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन, यानी कि आपस में एक दूसरे का कल्चर भी शेयर किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन का मतलब होता है कि आपके यहाँ की लेबर मेरे यहाँ के काम कर रही है, मेरे यहाँ की लेबर आपके यहाँ के काम कर रही है, तो एक तरीके के अच्छे रिलेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन। साधारण भाषा में हम अपने आंसर में लिखते थे पीपल टू पीपल रिलेशन, कहने का मतलब है लोगों से लोगों का रिलेशन संबंध क्रिएट कराओ, चाहे वो कल्चरल हो कि अरे यार चाइना में ऐसा होता है, हम भी भारत में उसे ऐसा मानते हैं। तो ये एक तरीके का अच्छा एक मैसेज जाता है पूरे विश्व में। तो शंघाई कॉरपोरेशन का ये आप मैप देख सकते हो, ये मेरे को इजीली गूगल में मिल गया था, काफी अच्छा लगा मेरे को। इसके मेंबर स्टेट, ऑब्जर्व स्टेट, डायलॉग पार्टनर्स और इसके कई बार गेस्ट, एशियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS, UN। तो इसके गेस्ट भी छोटे मोटे नहीं है, यानी कि SCO एक बहुत बड़ी बॉडी विश्व में बन चुकी है, छोटी बॉडी नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है। नाउ जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, अभी क्या हुआ रिसेंटली ये न्यूज में आया, हर घर जल। इस मिशन के अंदर में एक टारगेट है, हर घर जल, हर घर में जल पहुंचाया जाए। सोचने वाली चीज है कि देश की आजादी को 75 साल होने जा रहे हैं और आज भी हम इन्हीं छोटे मुद्दों पे बात करते हैं कि पानी होना चाहिए, ये होना चाहिए,
समझ में आता है कि समस्याएं हैं, लेकिन बहुत कहीं लगता है कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी रिसेंटली जो न्यूज में था, जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में इंडियन एक्सप्रेस में मेरे को मिला, कि गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, यानी कि गोवा हमारे भारत का एक लौता पहला स्टेट या एक पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% लोगों के घर पे नल लगे हुए हैं और उन नलों में आ रहा है पानी। कहां पे? रूरल एरियाज में। यानी कि गोवा एक पहला राज्य बन गया है जहां पे 100% लोगों के घर नल अवेलेबल हैं और उस नल से पानी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, सो ये हर घर जो जल है ये किसका पार्ट है? जल जीवन मिशन का है। तो जल जीवन मिशन को रिवाइज करना बनता है। तो जल जीवन मिशन क्या है? बेसिकली ये मिशन नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम है एक तरीके का प्लान कह सकते हैं, जो चला कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिसे बीच बीच में अपडेट किया जाता है। ये एक टारगेट रखा गया, इट्स अ टारगेट, और आसान भाषा में बोलूं तो एक टारगेट है जो ये कहता है कि 2024 तक हमें सबके यहाँ सेफ और एक पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट, यानी कि एक सुनिश्चित पर्याप्त मात्रा में लोगों के घर पानी पहुंचाना है, टैप के कनेक्शंस लगवाने हैं और उसके अंदर पानी होना चाहिए, वो है रूरल एरियाज। यानी कि हमारे देश में आज भी काफी ऐसे एरिया हैं जब पानी नहीं आता, टंकियां ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि लोगों के लिए टैंक जाते हैं और लोग वहां लंबी लाइनों में लगकर पानी भरते हैं। सो ये एक अलग स्टेज है, यानी कि एक तरीके से सरकार का टारगेट है कि 2024 तक हम सुनिश्चित करें कि देश के प्रत्येक नागरिक के घर में एक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे और एक पर्याप्त मात्रा में उनके घर में टंकियां लगे, सो दैट कि पानी की अवेलेबिलिटी हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जल शक्ति मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री याद रखना बस, जल शक्ति मिनिस्ट्री को मैं लास्ट टाइम रिवाइज किया था तो दोबारा मैंने यहाँ नहीं डाली है। ओके, इसका फंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? देखो ये फंड के सिस्टम देखो, 90-10, ये यूजुअली ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जो हिमालयन देश स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे 90-10, यानी कि 90 करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 करेगी स्टेट गवर्नमेंट, 50-50, यानी कि स्टेट और सेंटर, जैसे नॉर्मल राज्य हैं, यूपी है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे 50-50, 50 मोदी जी करेंगे, 50 अगर वेस्ट बंगाल में दीदी करेंगी, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। अनदर 100% यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये पैटर्न हमें केवल यही नहीं, अधिकतम जो हमारे देश में मिशन चलते हैं, स्कीम्स चलती हैं, उसमें इसी तरीके का हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कुछ है? नहीं है। अगेन आज आपका लक्ष्मीकांत का एक और टॉपिक कवर होने वाला है, इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल चुनावी जो क्या होते हैं, मोहरे, चुनाव की मोहरे होती है जिसपे हम बटन दबा के आते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं हमारा चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह, मोहर नहीं, चुनाव चिन्ह। ओके, ये अभी न्यूज में है, इस बार बिहार से ये एक बड़ी स्ट्रेंज चीज देखने को मिली। यहाँ पे कोई बिहार से हो तो तुम्हें इस चीज से रिलेट कर पाओगे। कहा जा रहा है बिहार से इस बार इतने लोग चुनाव खड़े हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इतने लोग चुनाव में लड़ने जा रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। यानी कि हमें पराठा देखने को, पराठा का चिन्ह देखने को मिल रहा है। ठीक है, बर्गर का चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो कुछ इतने सारे चिन्ह इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे इलेक्शन में, तो हमें वो चिन्ह जरूरी नहीं है। हमें बस ये समझना है कि जो हमारे देश में ये चुनाव चिन्ह है, ये किस तरीके से अलॉट होते हैं, किसे अलॉट होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, सो इलेक्शन सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह, ये एक सिंबल है, एक सिंबल है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक चुनावी पार्टी को दिया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके। देखो देश में प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है कि अगर वो बीजेपी लिखा है तो बीजेपी पहचान ले, कांग्रेस लिखा है तो कांग्रेस पहचान ले, नहीं। तो उसके लिए चुनाव चिन्ह की जरूरत पड़ती है, कमल का फूल या फिर हाथ, तो ऐसे चुनाव चिन्ह की जरूरत पड़ती है ताकि लोग उसे पहचान पाए। यानी कि एक एक पार्टी को, उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, सबको हेल्प हो सके। उससे भी ज्यादा जो ये हेल्प करती है, ये उन लोगों को हेल्प करती है जो फेमस नहीं है। सपोज मेरे को लगता है कि मेरे जैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए, ठीक है, चुनाव में आना चाहिए, तो चुनाव में आने के लिए मैं खड़ा होऊंगा तो लोग पहचानेंगे कैसे? तो मेरे को कोई एक अट्रैक्टिव सा चाहिए होगा, गैस सिलेंडर ले लूंगा कि सर आपके घर पर गैस दे दूंगा, गाड़ी ले लूंगा कि आपको फ्री में गाड़ी दे दूंगा। ऐसे कौन से, ऐसे हरकतें करनी नहीं चाहिए, लेकिन द थिंग इज दैट कुछ चुनाव चिन्ह में सेलेक्ट कर सकता हूँ।
अब हम जरा देखते हैं कितने तरीके के चुनाव चिन्ह होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिजर्व, एक होते हैं फ्री। जो हमारे रिजर्व्ड हैं, ये हमारे देश में केवल और केवल जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है बड़े स्तर पर उन्हें दी जाती है, या नेशनल पार्टीज या स्टेट रीजनल पार्टीज। हमारे देश में 8 नेशनल पार्टीज हैं, उन्हें दी जाती हैं, और 64 हमारी रीजनल पार्टीज हैं, यानी कि स्टेट पार्टीज हैं। इनके तो फिक्स हैं, लाइक कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस का है, उसे कोई छीन नहीं सकता। बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो है, बीजेपी का है, उसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, बीएसपी का जो हाथी है वो हाथी है, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। यानी कि ये इतने बड़े पार्टीज हैं। एक होते हैं फ्री। इस फ्री के अंदर तकरीबन तकरीबन 200 सिंबल्स होते हैं, 200 चिन्ह होते हैं, जो कि अधिकार है आप इसे चुन सकते हैं। यानी कि सिंबल जो कि अलॉट करे जाएंगे पार्टीज को इलेक्शन से पहले। ठीक है, किसके अंडर में आते हैं ये इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017। इसे अमेंड किया गया था कुछ टाइम पहले। इसके कारण था, एक बहुत यूपी में केस हुआ था उस समय, जो समाजवादी पार्टी है ये थोड़ी सी बिखर गई थी, या पता नहीं ज्यादा बिखर गई थी। समाजवादी पार्टी में आपस में बैर देखने को मिला था, शायद जो उनके चाचा जी थे वो अलग हो गए थे, और जो यादव जी थे वो अलग गए थे, अखिलेश यादव जी। सो यहाँ पे कुछ स्थिति अलग थी। तो ऐसे समय पे ये डिमांड होने लगी, जो उनकी साइकिल है उनकी चुनाव प्रचार का, वो चुनाव चिन्ह, तो ये किसके पास जाएगा। तो ये न्यूज में रहा था मुद्दा। तो आगे देखते हैं क्या है, इसे कौन अलॉट करता है, सिंबल्स को किस तरीके से कौन अलॉट करता है। देखो, हमारा एक ऑर्डर है 1968 का, उसके अनुसार देखा जाए तो इसकी शक्ति है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। ईसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर के हाथ में पावर होती है किसे कौन सा चिन्ह देना है। आईएएस ऑफिसर की पावर बहुत होती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो चुनाव के टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है, चुनाव के टाइम पे वो अपने आप अपने शहर का इलेक्शन का ऑफिसर बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये डीएम के प्रोफाइल में ही है। तो आईएएस बनोगे तो आपको ये भी करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी कम सैलरी में ज्यादा मेहनत, कुछ ऐसा है। ठीक है, ओके, तो वो इलेक्शन कमीशन करता है। होता क्या है, एक पार्टी या कैंडिडेट को लिस्ट के 3 सिंबल दिए जाते हैं, कोई भी 3 चिन्ह दिए जाते हैं कि इन 3 में से कोई सा भी एक आप सेलेक्ट कर लो, जो कि फ्री में है, तो वो सेलेक्ट कर सकता है। और ये दिया कैसे जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी कि जो पहले पहुंच गया उसे मिल गया। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में कहूं अरे नहीं नहीं तुमने वो वाला क्यों दे दिया, वो तो मेरा है, फेवरेट है, मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मेरे को आइसक्रीम वाला चिन्ह चाहिए। ऐसे बच्चों की तरह डीएम के आगे बैठ के रोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, या इलेक्शन कमीशन के आगे बैठ के रोते हुए अच्छे नहीं लगोगे। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले आता है उसे मिल जाता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारी रिकग्नाइज पार्टी है, जैसे मैंने अभी आपको भी समाजवादी पार्टी का दिया, अगर वो स्प्लिट कर जाए, यानी कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सोचो अगर कल को कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो जाए, राहुल गांधी कहें कि मेरी पार्टी है, प्रियंका गांधी कहें कि मेरी पार्टी है, तो ऐसे में निर्णय लेगा इलेक्शन कमीशन। ऐसे में कौन निर्णय लेगा, इलेक्शन कमीशन, की ये जो हाथ का पंजा है ये राहुल जी के पास जाएगा या प्रियंका जी के पास जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा होता है। ये आपको किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है। ओके, नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट आई, हर साल अक्टूबर में आती है, कोई नई चीज नहीं है। भारत की रैंक आ चुकी है 94 पे 107 देशों में से, यानी कि भारत काफी पीछे आ चुका है हंगर में। हमारे देश में भुखमरी, भूख से लोगों की बीमारियां, ये बढ़ती जा रही हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये रैंक बेहतर है, पिछले साल हमारी रैंक इससे भी नीचे थी, इस साल उससे बेहतर है। तो जरा इस इंडेक्स को देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या है, ये एक टूल है जो देखता है, मेजर करता है हंगर पूरे विश्व में, कौन कौन सी जगहों पर भूख, यानी कि भूख से किसी प्रकार से लोगों की मृत्यु तो नहीं हो रही है, स्टारवेशन वगैरह चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक एक रीजन और एक एक कंट्री को जाके ये चेक करता है। ठीक है, एनुअली कैलकुलेट करता है, अपनी रिपोर्ट देता है अक्टूबर में, यानी कि साल में एक बार इसकी रिपोर्ट आती है। 2006 से शुरू हुआ था। पब्लिश कौन करता है इसे, वेलेंट लाइफ एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ। इसमें एक दो बॉडीज आपको और भी देखने को मिलती, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 2019 में एक बॉडी थी अमेरिका की, उसने इससे विड्रॉ कर लिया था।
सो ये दो बॉडीज का नाम है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, यानी कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करना इन दो का काम है। एंड वेरी गुड, जो जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स आपको याद है। जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, अगर आपका कॉमेंट है मेरे को देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो बहुत अच्छा है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है जीरो हंगर, ठीक है ना, तो ये हमें याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। हम इतने एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, हमें ये सारी चीजें रट जाएंगी। पॉवर्टी वाला रट गया, इंटरनेशनल रिलेशन, वाटर वाला रट गया, तो ये अच्छी चीज है। ओके, ये किस तरीके से वर्क करती है, ये रैंक देती है एक देश को पॉइंट्स के अनुसार। 100 में से पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके पॉइंट्स 0 होंगे वो बेस्ट है, जिसके पॉइंट 100 के पास होंगे वो बुरे हैं। यानी कि 100 में से अगर आपके 100 हैं तो आप बुरे हैं, टॉपर नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला है, किन बेसिस पे है, तो तीन चीजों को देखा जाता है। कैलोरिक इनटेक, यानी कि कौन सा व्यक्ति एक दिन में कितनी कैलोरीज ले रहा है। जैसे हमारे यहाँ तेंदुलकर रिपोर्ट है, एक तेंदुलकर रिपोर्ट इकोनॉमी की बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि बताती है कि आई थिंक 2400 कैलोरीज भारत में लेनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को पर डे, ठीक है ना। तो कैलोरीज के बेसिस पे देखा जाता है अंडर न्यूट्रिशन, कि कितने बच्चे अंडर न्यूट्रिश्ड है, यानी कि खाना तो मिल रहा है लेकिन पोषण उनका ठीक से नहीं हो पा रहा है। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर भी देखा जाता है, कितने बच्चे मर जाते हैं 5 साल की उम्र से पहले। तो इसके चार इंडिकेटर्स हैं जिसे हम देखते हैं, चार ही हैं, इसके अलावा और नहीं है। पहला तो है अंडर नरिशमेंट, यानी कि बच्चे खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनके बॉडी में आधा पेट खाना गया, या फिर खाना प्रोटीन विटामिन वाला नहीं गया है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है कि ये सारी चीजें जो भी हैं, तो ये सारी चीजें ये 5 साल तक के बच्चों के लिए देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो एज लिमिट है ये 5 ईयर्स है, इसे याद रखना, यहाँ लिखी नहीं है, 5 ईयर्स। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, देखो जब कोई बच्चा जिसकी हाइट बढ़ जाए लेकिन वेट नहीं, स्टंटिंग होता है, इसमें क्या होता है उसका वेट कम रह जाए लेकिन उसकी हाइट बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए लेकिन उसका वेट कम रह जाए, हाइट कम रह जाए। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, जब उसकी हाइट बढ़ जाए लेकिन वेट कम रह जाए, तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, बेसिकली लिखिए इसे समझा रहा हूँ। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में या विश्व में जो 5 साल की उम्र से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि बाल मृत्यु दर भी हमें देखा जाता है। यहाँ माल न्यूट्रिशन क्यों नहीं है, माल न्यूट्रिशन इसलिए नहीं है, अंडर न्यूट्रिश कनेक्ट कर लिया उन्होंने, ऑलमोस्ट बात सेम ही है बेटे, ठीक है। चलो इंडिया की अगर बात करें इसमें, तो इंडिया की स्थिति ये है, इंडिया की रैंक है 94, 107 देशों में से, ठीक है। इंडिया को कहा गया है कि इंडिया में इस समय भुखमरी बहुत ज्यादा है, हंगर, स्टार्वेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, यानी कि भारत को एक सिवियर कंडीशन में रखा गया है। लेकिन लास्ट ईयर भारत की रैंक थी 102, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा सुधार भले ही हुआ है, लेकिन अभी भी हमें सुधार करने की जरूरत है, हमें काफी आगे आने की जरूरत है। एटलीस्ट हमें अपने आप को 20 या 30 तक तो लाना होगा, तो हमें काफी आगे लाने की जरूरत है, अभी हम काफी ज्यादा पीछे हैं। नाउ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये भी न्यूज में आई तो इसे भी रिवाइज करते हैं। ओके, एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल, यानी गवर्नमेंट की बॉडी है जहां पे अलग अलग देश की गवर्नमेंट एक साथ आती है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है। इसका ऑफिस कहाँ पे है, इसका ऑफिस है जिनेवा में, जो यूएन का ऑफिस है उसी के अंदर बैठते हैं, 2006 में सेटअप हुए थे। इसका काम क्या है, ये देखता है पूरे विश्व में जो भी इसके मेंबर हैं, क्या उनने किसी भी प्रकार से मानव अधिकार का उल्लंघन किया है या नहीं, यानी कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं किया विश्व में किसी ने भी। तो जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर देश आते हैं, इसे साधारण भाषा में समझाना, जो भी देश यूनाइटेड नेशन के अंडर में आते हैं, ये उन देशों में चेक करता है कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, यानी कि मानव अधिकार का किसी भी तरीके से उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ये लोग याद करो कश्मीर की विजिट पर भी आए थे देखने, कश्मीर की विजिट पर भी आए थे, यूरोप से कुछ मेंबर्स आए थे। ओके, इसका काम क्या है, ये ह्यूमन राइट्स इश्यूज को चेक करता है, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कितने लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, विमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकार पे बात करता है, एलजीबीटी, लेस्बियन, गे और उनके राइट्स पे बात करता है, रेसियल, अगर काले गोरे का कहीं अधिकार खर्च हो रहा है या नुकसान हो रहा है, एथनिक राइट, यानी कि अगर आपको किसी आपके जगह जहां आप रहते हैं उसके अनुसार अगर आपको परेशान किया जाता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे टारगेट करी जा रही है, ठीक है। अगर इसके मेंबरशिप की बात करूं मैं, इसकी मेंबरशिप का स्टेटस काफी सही है, 47 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है, यूएन, इलेक्टेड बाय यूएन, इसे याद रखना। इसकी मेंबरशिप थोड़ी आसान नहीं है, इसका ये वाला पेज आप ज्यादा अच्छे से याद करोगे, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यूनाइटेड नेशन जैसा नहीं है कि कहीं से किसी देश की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं से है, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सबको मौका मिल रहा है कि हाँ भाई आप भी आके आइए। देखिए अफ्रीका से जैसे 13, एशिया पैसिफिक से 13, यूरोपियन स्टेट से 6, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन यानी कि वेस्ट इंडीज साइड से 8, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से 7। तो इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यानी कि जो सीट्स बटी हुई हैं ये बहुत ही बराबरी में बटी हैं, ऐसा कोई ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी बंदा जब मेंबर बनता है तो वो 3 साल के लिए मेंबर बनता है, मेरे पीछे छुप रहा है ये है, 3 साल के लिए मेंबर बनता है और कोई भी व्यक्ति दोबारा एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर वो एक बार मेंबर बन गया तो 3 साल बाद वो दोबारा मेंबर बन गया उसके बाद वो एलिजिबल नहीं है री इलेक्शन के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि दोबारा से वो कहे कि अरे यार मेरे को दोबारा बनने का मन है, ऐसा नहीं। जैसे हमारे भारत में होता है, हमारे भारत में कोई नेताजी है वो चुनाव जीतते हैं, उनके 5 साल हो जाते हैं, वो फिर खड़े होते हैं, फिर जीतते हैं, फिर 5 साल हो जाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जैसे ओबामा साहब आए, ओबामा साहब के 4 साल पूरे हुए, वहां 4 साल का टर्म है, हमारे देश में 5 साल का, इसके बाद वो एक बार और चुनाव लड़ सकते हैं, वह हार गए या जीत गए वो बात अलग है, लेकिन अगर वो जीत गए तो 4 साल और, इसके बाद वो विश लाइफ में कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, लाइफ में कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये एक आई थिंक अच्छी चीज है, ये नेताओं को शायद जो मोह है, एक मोह होती है जो लालसा होती है उससे दूर रखेगा, वो अपने भविष्य के लिए कुछ ज्यादा प्लानिंग नहीं करेंगे, उनका काम ये होगा कि मेरे पास 8 साल है और मुझे इस 8 साल में देश का भला करना है, ठीक है, वो ये सोच के काम नहीं करेंगे कि मेरे को आगे का भी फ्यूचर चेक करना, यानी कि दिखावा या ड्रामे नहीं करेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको लगता है ये मेरा क्या, जो इसके मेरिट्स लिखे जाते हैं उसमें यही लिखा जाता है। ओके, न्यूज में क्यों था? हाँ, न्यूज में इसलिए था, पाकिस्तान अभी रीएलेक्ट हो गया इसके मेंबर्स के लिए, ये वाला पॉइंट देखने से कैसे यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बनने के लिए रीइलेक्ट हुआ, दोबारा से बना, और इसे 193 देशों में से 169 ने वोट किया है, इस चीज को समझना, इसे 169 देशों ने वोट किया है। इससे आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान शक्तिशाली हो रहा है? आंसर इज नो। इससे सवाल खड़ा होता है भारत की डिप्लोमेसी पे, भारत की नीतियों पे, कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं विश्व में, जो हमारी विश्व नीति है यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कि हम पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान जैसे देश को हम रोक नहीं पा रहे हैं, वो इजिली चुनाव जीत रहा है, इसमें आगे आ रहा है। तो यहां पर जो हमारे लिए सवाल होता है वो भारत के संदर्भ में होता है, पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी को डिस्कस करिए 2020 में या 2018 से 20 तक की, तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हम विश्व में अलग थलग करने में फेल रहे हैं, हम अभी तक पाकिस्तान को पूरी तरीके से डरा नहीं पाए हैं, जैसे हमने सोचा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक स्तर पर यानी कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर उसे डराएंगे, लेकिन वो हम कर नहीं रहे हैं, यानी कि भारत की कूटनीति की एक हार है, हार तो नहीं कहूंगा, कूटनीति पे एक सवाल है कि आप किस तरीके की कूटनीति पे जा रहे हैं। तो आगे जरूरत है हमें कुछ ऐसी नीतियां बनाने की, कुछ ऐसे देशों से संबंध बनाने के कि हम पाकिस्तान को साइड कर पाए, जब तक आप इसे साइड नहीं करोगे ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो यहां हमें इस चीज को समझना चाहिए, यानी कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो भारत के संदर्भ में पूछेगा, पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं। तो आपको पूरा आंसर भारत के इर्द गिर्द लिखना होगा, पाकिस्तान के इर्द गिर्द नहीं। वेलकम टू द GS3, इसमें आज कम है। सबसे पहले साइंस एंड टेक, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये क्या है भैया? ये एक ऐसा टेलीस्कोप है, रेडियो एक्टिव से चलता है, ये देखो ये इतने सारे टेलीस्कोप लगे हुए हैं पुणे में, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, ये एक साथ लगा रखे हैं एक जगह पे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, देख लेते हैं क्या है। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि एरे मतलब बहुत लंबी एक लाइन है, 30 यहाँ पे पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए, बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं जिनको 45-45 मीटर के हैं, इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए हैं। यार मेरे पास जो फोटो है वो दिन की है, तुम्हारे यूट्यूब पे रात की दिखा रहा है, ये बड़ा गड़बड़ है यूट्यूब का, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। कौन ऑपरेट करता है? NCRA। इसके बारे में डेफिनेटली आपको मेरे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा,
इसके बारे में रिसर्च करनी होगी, जो कि मैं कल आपको साइंस एंड टेक में बता रहा था कि जो रीसेंट न्यूज होगी साइंस एंड टेक की उस पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपको इस पे रिसर्च करनी होगी, ठीक है ना। आप गूगल पे इसको ढूंढेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इस पे आपको स्टडी करनी होगी। यानी कि आपको 2 घंटे इस टॉपिक पे देने होंगे ताकि आप जीएस पेपर 3 का एक आंसर रेडी कर पाए, ठीक है। या फिर कोई भी टीचर, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट हो साइंस एंड टेक का जो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करे, उन्हें सुनना होगा। ओके, है कहाँ पे ये? पुणे में है, ठीक है, जो कि ये लोकेशन है एक्यूरेट, पुणे याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। ओके, ये कहा जाता है कि ये बनवाया गया था 1996-1984-65 में बाय लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, जो प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ से है वो ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट। नाउ, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी, सॉरी, इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज मिल गया। हमने ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का याद कर लिया था, लिटरेचर का कर लिया था, फिजिक्स का कर लिया था, एंड मेडिसिन का कर लिया था। इट्स टाइम फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का भी कर लिया था। चलो, तो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, किन्हें दिया गया है? पॉल आर मिलग्रोम, ठीक है, रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने एक नया चेंज किया। हमारे यहाँ जो ऑक्शन होते हैं ना, ऑक्शन मतलब समझते हो नीलामी, ये मूवीज में ज्यादा देखा होगा, नीलामी, ठीक है ना, ये मूवीज में देखा होगा। लास्ट में हीरो आता है 500 करोड़ और वो कहते हैं सोल्ड, ठीक है, वो हथौड़ा मार के बोलते सोल्ड। आईपीएल में भी देखा होगा, इसे कहते हैं नीलामी। तो इन्होंने नए तरीके का ऑक्शन स्टार्ट किया। क्यों? समाज में समय के साथ बदलाव आ रहे थे, इन्होंने उस बदलाव को समझा, इसे नीलामी का सिद्धांत जो है, तो इस पे इन्होंने काम किया, यानी कि ऑक्शन थ्योरी पे इन्होंने वर्क किया है। देखो, पहले हमारे टाइम पे ऑक्शन कैसे होते, नीलामी कैसे होती थी, कि सपोज मैंने एक घर लिया और मैं उस घर की कीमत चुका नहीं पाया, फिर बैंक मेरे घर को नीलाम कर देगा, जिस बंदे के पास पैसे हैं वो आके खरीद लेगा, वो पैसे बैंक के पास चले जाएंगे, यही सारी चीजें थी। लेकिन ऑक्शन की थ्योरी, यानी कि जो हमारी नीलामी प्रक्रिया है, वो किस तरीके से वर्क करती है, कि क्या क्या रूल्स होंगे, बिडर्स किस तरीके से बिड लगाएंगे, ऐसा ना हो मच्छी बाजार की तरह हो, 100 रुपए 100 रुपए 500 रुपए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। और आउटकम्स उसके किस तरीके से आएंगे, हाईलाइट इसलिए नहीं क्योंकि कंटेंट हमारे लिए ना प्री का है ना मेंस का है, बस इतना याद होना चाहिए। ऑक्शन जो अथॉरिटीज थी, ऑक्शन फॉर्मेट में बदलाव करे गए हैं। ओके, जो हमारा पुराना तरीका था वो ये था, अगर कोई बंदा पैसे नहीं दे पाता था, बैंकरप्ट हो जाता था, तो उससे पैसे निकालने के ये तरीके थे। लेकिन रीसेंट जो चेंज आया वो ये आया, अब केवल ऑक्शन केवल पैसों का या प्रॉपर्टी का नहीं होता, अब होता है कॉमोडिटीज का, सामान का भी होता है, ठीक है, रेडियोस का होता है, बड़ी बड़ी फोन कंपनी ट्रांसपोंडर्स का लगाती है कि हम सैटेलाइट्स खरीद रहे हैं ऊपर सो दैट हमारे नेटवर्क अच्छे आए, हम एंटीने खरीद रहे हैं, बड़े बड़े टावर खरीद रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन, कार्बन ट्रेडिंग, यानी कि ये सारी चीजों में भी होता है। और इस चीज का डेवलपमेंट किया इन दोनों व्यक्ति ने कि हम इतने बड़े लेवल पे इन चीजों का भी अब हम जाके ऑक्शन कर सकते हैं। यानी कि हर ऑक्शन को एक अलग मॉडल की जरूरत होती है, अलग पर्पस, अलग कॉमोडिटीज के अनुसार। ये इन दोनों ने कर दिखाया, यानी कि जो हमारी नीलामी प्रक्रिया थी उसे में थोड़ा सा बदलाव लाए, कुछ नया करने की कोशिश करी, ठीक है। इन दोनों की फोटो लगाई थी मैंने, कहाँ गई? अबे, इन दोनों की फोटो लगाई थी, पता नहीं कहाँ भेज दी मैंने, कहीं और तो नहीं फिट कर दी, फोटो मैंने लगाई है दोनों की, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ गई। ओके, फिशिंग कैट, ये फिशिंग कैट बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली दिख रही है। इस अगर मैं बात करूं कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ये किस तरीके से आएगा, ये ज्यादातर मैच द फॉलोइंग यूज होगा, मैच द फॉलोइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीस, इधर व्यक्ति के नाम होंगे, और व्यक्ति के नाम टफ हैं सारे, देखो इंडियन नाम नहीं है जो हम याद कर पाए इजिली, तो वो मैच द फॉलोइंग है, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट प्री के लिए है। अगर मैं बात करूं ऑक्शन थ्योरी, तो ऑक्शन थ्योरी अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो अब तक हिंदू ने इसे यूटिलाइज कर लिया होता अपने आर्टिकल में, तो आंसर फॉर्म में तो जरूरी नहीं है डेफिनेटली सही में दोनों घर चले गए होंगे, मेरे को याद है मैंने फोटो इन दोनों की निकाली थी और उस फोटो के नीचे नाम भी लिखे थे, तभी मैंने निकाली थी फोटो, कहीं गई तो लगाया नहीं होगी। ये आपको बड़ी प्यारी सी बिल्ली दिख रही है, मुझे बड़ी प्यारी लग रही है ये, ठीक है, बड़ी खतरनाक घूर के दिख रही है। ये बिल्ली मछली पकड़ लेती है, इसलिए इसे फिशिंग कैट कहा जाता है, ये बिल्ली मछली पकड़ लेती है सीरियसली,
तो इसे फिशिंग कैट कहा जाता है। जरा देखते हैं ये कहाँ पाई जाती है। एक मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली है। ये जंगली बिल्ली शाहरुख खान वाली नहीं है, ये रियल की जंगली बिल्ली है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? साउथ या साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्विमर होती है, ये मछलियों को पकड़ के खा जाती है। ठीक है, और बाहर रहते जानवरों को ही पकड़ लेती है, तो दोनों चीजों में खतरनाक है। फिशिंग कैट हमारे भारत में कहाँ मिलती है? मैंग्रोव फॉरेस्ट में, सुंदरबन जैसे कि है हमारा, हिमालयाज में मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास या वेस्टर्न घाट्स के आसपास। ये जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोकेशन आपको याद रखना है कि मछली पकड़ने वाली बिल्ली कहाँ से क्या पकड़ लेती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये इससे पहले भी न्यूज में रही है, 2012 में वेस्ट बंगाल ने इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये फिशिंग कैट हमारी स्टेट एनिमल है, यानी कि राज्य एनिमल का दर्जा मिला फिशिंग कैट को वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल, यानी कि इसकी स्थिति अभी खराब है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है कि बचाई ना जा सके। अपेंडिक्स सेकेंड, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1, ये सारी चीजें आपको सब में ऑलमोस्ट रिमाइंड रखनी होंगी। और ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि जो हमारा चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने फिशिंग कैट को अपना एम्बेसडर बनाया है। एटीट्यूड देख रहे हो जंगली बिल्ली का, हमें एम्बेसडर बनने में पढ़ना पड़ा है, सालों की मेहनत करनी पड़ी, ये मैडम बैठे बैठे एम्बेसडर बन गई, यानी कि इन्हें बनाया गया अपना एम्बेसडर, तो ये हमें पता होना चाहिए। चिलिका लेक का नाम आया तो चिलिका लेक की लोकेशन और इंपॉर्टेंस देख लो। यूपीएससी इस पे 2016 में, नहीं दो सॉरी 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 2018 में क्वेश्चन बना चुका है। ठीक है, 2018 में यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना चुका है। चिलिका लेक की आप लोकेशन देख रहे हो, बिल्कुल समुद्र के पास है, उड़ीसा में। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में नमक मिलता है इस पानी में, और नमक मिलने का कारण है, ब्रैकिश वाटर उस पानी को कहा जाता है जहां पर फ्रेश वाटर को मिक्स कर दिया जाए समुद्री पानी से, यानी कि सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर को कहा जाता है ब्रैकिश वाटर। यानी कि देखो यहाँ समुद्र है, समुद्र का इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव होगा हवा के अनुसार, और कभी जब बारिश पड़ती है तो ये फ्रेश वाटर इतना ज्यादा खराब हो जाता है। तो चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा गूगल बताता है सांबर लेक। सांबर लेक जो कि राजस्थान में है, सांबर के नाम से साउथ इंडिया मत पहुंच जाना। सांबर लेक जो कि हमारा कहां पर है? राजस्थान में। अगेन, तो ये कहां पर है? ओडिशा में है। कौन सी नदी के पास है? दया नदी के पास है, जो नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, 1981 में चिल्का लेक को डेजिग्नेट किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि रामसर कन्वेंशन जो है उसके अंदर ही आती है। रामसर कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसके ऊपर अगर देखूंगा कि एक छोटी सी 6-7 मिनट या 8 मिनट की वीडियो बना पाया तो बना दूंगा, वरना करंट्स में इसे कवर कर देंगे। तो रामसर कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि हर साल हमें कम से कम 20 से 30 बार अपने पूरी यूपीएससी की जर्नी में पढ़ने को मिलेगी। नाउ रुद्राम, ये क्या है भैया? रुद्राम एक मिसाइल है, DRDO ने लॉन्च करी अभी रिसेंटली, तो ये न्यूज में है। इंडिया की पहली इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी है एंटी रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के नजर में नहीं आएगी, एयर टू सरफेस, हवा से प्लेन से चलाई जा सकती है सरफेस पे मिसाइल, ये है हमारी रुद्राम। ठीक है, डिफेंस का टॉपिक है। ये कौन से प्लेन से यूज करी जा रही है? SU-30 MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट से इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करती है? ये डेजिग्नेट कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, ट्रैक कर लेती है किसी भी रडार को, यानी कि इजीली अगर मेरे को कहीं निशाना साधना हो तो ये बहुत ठीक है। आठ हाँ, तो मैं ऐसी में करा दूंगा। ठीक है, ओके, द थिंग इज दैट कि ये जो मिसाइल है ये इतनी सशक्त है कि ये छोटी से छोटी चीजों को पकड़कर उन पे आक्रमण कर सकती है। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम ये ऐसी चीज है जिसको आपको अलग से पढ़ना चाहिए, साइंस एंड टेक की, इसकी थोड़ी सी रिसर्च आप करेंगे। ये क्या करती है? बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पता लगा लेती है किसी भी चीज की, यानी कि आक्रमण करने पे अगर एक छोटी सी सुई है ऊपर से प्लेन जा रहा है तो मैं यहाँ पे इसे सीधा सीधा अटैक कर सकता हूँ।
100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, ये अपने टारगेट्स को बहुत ही इजीली पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ चीजें हैं रुद्राव। ठीक है, हाँ जी, इसे रडार नहीं पकड़ता, इसे रडार नहीं पकड़ता, तो ये सारी इसकी विशेषता है। नाउ नेक्स्ट, ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल, ब्रह्म कमल, इसे वैसे हिंदी में बोला जाए ब्रह्म कमल, ब्रह्म देवता को ये माना जाता है। सफेद रंग का कमल का फूल है, जो कि इतना खूबसूरत एक फ्लावर है, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत है। ओके, ये एक फ्लावर की स्पीशी है जो कि हमें मिलती है हिमालय में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। ये तो भारत के 3 जगह है जहां से मिलती है, मंगोलिया, बर्मा, साउथ वेस्ट चाइना, इन जगहों पे भी ये मिलता है। ये एक राज्य फूल है, यानी कि स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का। ठीक है, ये कुछ घंटों के लिए उगता है, कुछ साल भी नहीं, कुछ महीने भी नहीं, कुछ घंटों के लिए उगता है। माना जाता है ये गुड लक, यानी कि अच्छी किस्मत, और प्रोस्पेरिटी, यानी कि आपकी कुशल जीवन और समृद्ध जीवन की कामना करता है ये फूल। काफी खूबसूरत फूल है, से देख के मेरा मन जरूर किया कि मैं से एक बार देखूं रियलिटी में सफेद कमल कैसा लगता है, तो देखने का मन किया। ओके, इसका जो नाम है वो ब्रह्म भगवान के ऊपर रखा गया, ब्रह्मा गॉड जो कहा जाता है, जिन्होंने विश्व को बनाया। ओके, ये फ्लावर बहुत जगह हमें देखने को मिलता है, इसके स्क्रिप्चर्स देखने को मिलते हैं, दीवारों पे पेंटिंग्स देखने को मिलती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में, दोनों उसी क्षेत्र में है। ठीक है, ये फ्लावर मेडिसिन के तौर पे भी यूज होता है, यानी कि मेडिसिन, मेडिकल पर्पस पे भी यूज होता है। कहां पे? तिब्बत में और आयुर्वेदा में कहा जाता है ये यूज होता है कट्स, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कुछ कट लग जाए उसको भरने के लिए, उसके घाव को भरने के लिए, या फिर ब्रूसिस। ब्रूसिस का मतलब होता है वो घाव जो अंदरूनी चोट होती है, अंदरूनी चोट, जैसे अंदर खून फैल गया हो, अंदर चोट लग गई हो, उस तरीके की चीज को भरने के लिए काम आता है ब्रह्म कमल। ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो फाइनली काफी ज्यादा लेवल पे आज मैं करंट्स कवर कर पाया, हालांकि 2 बजे प्लान बनाया कि करंट्स की क्लास लेनी है, एंड ऑल ऑफ सडन एकदम से फोकस स्विच किया। पहले वो ट्राइबल्स वाला इशू प्रिपेयर हो गया था, लेकिन स्विच किया, वो आर्ट एंड कल्चर के टाइम पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो थिंग इज दैट कि हमने ये कवर किया, अभी भी स्टिल इस बार इतने करंट्स हैं कि 35 से 40 मिनट्स की एक और वीडियो है। अगर आप लोग कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो, अगर आप कहोगे तो द हिंदू के बाद कंटेंट को ऐड कर देंगे, द हिंदू के बाद कंटेंट को ऐड कर देंगे हिंदू वाली क्लास में ही, ताकि हमारा कंटेंट बढ़ता चला जाए और हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो इस आज जितने भी लोगों को भूख भूख लग रही है कर दो। ओके, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें या अनअकैडमी को डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, अगर कर लिया है तो समझदार हो गए हो। ठीक है, सो अनअकैडमी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां जाके अपना अकाउंट बनाए, प्लस पे जाएं और यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करके सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस कोड को इस्तेमाल करके 10% का छूट ले सकते हैं। 39,000 में आपको सारी तैयारी होगी, पूरी यूपीएससी जर्नी, जो कि दिल्ली जाके पढ़ने में 4 लाख तक लग जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर्स यहाँ आपके साथ हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपकी सहायता के लिए, तो ये सब आप कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि है कि फ्री में भी क्लासेस अवेलेबल होती है, फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर अनअकैडमी डाउनलोड करके फ्री में भी क्लासेस देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को रिपीट कर दीजिए प्लीज, इलेक्टोरल बॉन्ड को रिपीट। सर, आर्ट एंड कल्चर रहेगा, आर्ट एंड कल्चर रुकेगा नहीं, आर्ट एंड कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा चलेगा। ठीक है, मैंने जो चीज स्टार्ट करी है वो एंड तो होगी डेफिनेटली, बट हाँ कुछ ऐसे स्टेजेस आ जाती हैं कि और सिचुएशन होगी, हम लोगों के आगे भी बहुत सारी क्लासेस हो जाती है कई बार, तो हम लोग भी इतना कर नहीं पाते। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड ढूंढ रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग इलेक्टोरल। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहाँ गए यार, हो ही गए, ये रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ऐसा डिमांड है, मेरा काम है समझाना, मना नहीं करूंगा। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को साधारण भाषा में समझो, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का पेपर है जो कि SBI, कुछ पर्टिकुलर SBI की ब्रांचेस के पास रखा होता है, और मैं एक आम नागरिक की तरह इस बैंक में जाऊंगा और इस पेपर को खरीद लूंगा। सपोज मैंने 1 करोड़ में इसे खरीद लिया, अब मैंने किसका पेपर खरीदा है ये केवल मैं जानता हूं,
और बैंक जानता है। सपोज मैंने पेपर पे लिखा है बीजेपी और मैंने बीजेपी खरीदा है, या लिखा है कांग्रेस, मैंने कांग्रेस खरीदा है, और ये 1 करोड़ रुपए डायरेक्टली इनके पार्टी फंड में चले जाएंगे, जिससे ये आगे अपने चुनाव में यूज कर सकते हैं, अपने विकास के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चीज एक बेहतरीन चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एसबीआई के एक तो पॉइंट है कि एसबीआई में केवल एसबीआई की कुछ ब्रांचेस को अनुमति मिलती है, ये एक तरीके से नोट है जो कोई भी भारतीय नागरिक और कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत में काम कर रही हो उसको केवल अधिकार है इसे खरीदने का। ठीक है, सिटीजन्स अपनी चॉइस से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का खरीद सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, आप फ्री हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आती हैं? जो भी रजिस्टर्ड है पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है, या फिर वो पार्टी जिन्होंने तकरीबन 1% वोट अपने चुनाव में हासिल करे हैं, जो भी चुनाव लास्ट जो सबसे आखिरी चुनाव हुए हो उसमें 1% वोट हासिल करे हो, वो पार्टी भी एलिजिबल है पैसे लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ब्लैक मनी एक तरीके से बैंक की नॉलेज में आ जाता है और थोड़ी सी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, और एक और बेनिफिट भी है कि मैं जैसे दान देकर आया तो पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं है कि कौन सा व्यक्ति था, तो कल को अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं कि भैया मैंने आपकी पार्टी की मदद करी है, तो पॉलिटिकल पार्टी मुझसे कहेगी भाग यहां से, हमें नहीं पता कि तूने करी है या नहीं करी है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि मेरा किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं होगा किसी भी राजनीतिक दल पे। चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखो, चैलेंजेस ये हैं कि डोनर की जो आइडेंटिटी है वो छुपा के रखी गई है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। इससे तो वो डोनर काले पैसों को भी यूज कर सकता है, वो डोनर किसी फॉरेन के कहने पे भी कर सकता है, किसी विदेश के बंदे के कहने से भी कर सकता है, या शेल कंपनीज भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि कंपनी केवल पेपर पे है, केवल एक नाम है कि ये कंपनी है, लेकिन कहीं से दूर दूर तक कंपनी दिखती नहीं है। ठीक है, पब्लिक को कोई आइडिया नहीं होगा कि ये बॉन्ड कैसे काम करते हैं, तो इसमें लोगों के भी जो आरटीआई कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, ये हमारा कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। सो इतनी सी चीजें हैं बस इसके बारे में। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ोगे, इसके बारे में और चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए जो कि इनकम्प्लीट है। ओके सर, उस आदमी को पैसे रिटर्न चाहिए हो तो क्या होगा? नहीं, वो आदमी किसी परचूनी की दुकान पे नहीं गया है जब वो कहे नहीं मेरे पैसे वापस करो, तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि वो पैसे वापस मांग सकता है। सर रसीद तो मिलती है? हाँ रसीद मिलती है, पेपर मिलता है बकायदा, रसीद मिलती है। खरीद के आने 10 रुपए भी दे सकते हो, तुम चाहो 10 रुपए का भी खरीद सकते हो, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना, पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके का है। ओके सो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। लाइक आपको हर समय क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जो कि फ्री क्लासेस पे नहीं होते हैं, बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, एडुकेटर्स आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, इवन आपको किताबें खरीदने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपकी फ्री में हो जाएगी, और गाइडेंस जैसे कि मैंने कहा अगर आप मेरे कोड साहिल 1 को यूज करते हो तो मेरी गाइडेंस हमेशा आपके साथ है आपकी पूरी जर्नी में। थैंक यू वेरी मच एंड होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। नहीं, 5 रुपए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो 5 रुपए के नहीं खरीद सकते। ठीक है, ओके सो दैट्स इट, गुड नाइट। अच्छी क्लास हो गई, क्योंकि मेरे को मजा आता है जब मैं ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाता हूँ। थैंक यू।